आज मैं आप लोगों के साथ हल्दीराम स्पेशल लच्छा सेवई बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे कि मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ देखिए, मैंने हल्दीराम का जो लच्छा सेवई होता है वो लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका जो टेस्ट होता है वो होता है, तो इसलिए मैं हल्दीराम का लच्छा सेवई इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले यहाँ पर दूध को उबलने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी, इसको मिक्स कर लेंगे। दूध को यहाँ पे हल्की सी हम गाढ़ी होने देंगे, बिल्कुल हल्का सा। दूध यहाँ पे हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है, तो अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। और गैस के फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद अब हम इसमें लच्छा को डाल देंगे। गैस को हमेशा ऑफ़ करके लच्छे को डालिए। लच्छे को यहाँ पर आपको उबालना नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध में मैं 1 और हाफ लच्छे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इतना जो गाढ़ा है वो लच्छा खीर हमें यहाँ पे बनाना है। थोड़ी सी ये और जब ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको एक साइड में डालते हैं। अब एक बार फिर से यहाँ पे गैस को हम ऑन कर लेंगे। आधा चम्मच घी ऐड कर लेंगे, किशमिश डाल लेंगे, हल्का सा इसको फ्राई करना है। किशमिश आप देख सकते हैं कि लगभग फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम कटा हुआ का यहाँ पे नारियल डाल दे रहे हैं, क्योंकि नारियल को बिल्कुल हल्का सा भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। दोनों चीज़ें यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, तो गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर लेंगे। और अब ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे हम खीर में ऐड कर लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए रखे हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। अब खीर को हम ठंडी होने देते हैं, उसके बाद हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए सेवैया को मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है। और अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे इस तरीके से। और इसी के साथ हमारी जो सेवैया है पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो आप इसको रामादान में बना सकते हैं, ईद के पावन अवसर पे बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।